नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाई अमित पे साथियों अपन लोग अपने इस प्लेटफॉर्म पेसन कर रहे हैं और अपन लोगों ने दो चैप्टर अपने विधिवत रूप से एकदम पूर्ण कर लिए हैं इसके बाद अपना तीसरा चैप्टर चल रहा है तीसरे चैप्टर की अपनी चार क्लासें हो चुकी हैं और चार क्लासों के बाद आज अपनी जो है वो पांचवी क्लास है साथियों देखना हम लोग अब तक क्या पढ़ चुके हैं अब तक हमने जो पढ़ा है वो मतलब हीरा ग्रेफाइट फुलरीन उसके बाद अपने जो स्वतंत्र रूप वाला जो पार्ट था यानी कि मैं यदि बात कोयले की चारकोल की कोक की वो हम लास्ट क्लास तक कवर कर चुके हैं लास्ट क्लास में हमने सबसे लास्ट के अंदर पढ़ा था चारकोल पढ़ा था उसके बाद काजल के बारे में पढ़ा था और वो जो सारी चीजें हैं वो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गई होंगी चारकोल के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी बात पाई थी कि उसे हम गैसों का सबसे ज्यादा सबसे अच्छा अवशोषक मानते हैं सिगरेट का फिल्टर पेपर बनाने में ही भी चारकोल का ही उपयोग करते हैं इसी के साथ साथ यदि कहीं पर भी गैस की उपस्थिति हो और गैस को हटाना हो तो हम चारकोल का ही उपयोग करते हैं उसके बाद मैंने आपको बताया था कि चारकोल जो होता है वो दो तीन टाइप का होता है एक चीनी का चारकोल होता है एक कास्त चार चारकोल होता है और एक हड्डी का चारकोल होता है दवाइयाँ बनाने में भी काम आता है अलग अलग जगह पर उसके यूजेज होते हैं इसी के साथ यदि पानी के अंदर बदबू आ रही हो तो उसको हटाने के लिए भी हम चारकोल का ही उपयोग करते हैं तो चारकोल बहुत अच्छी चीज है इसके बाद मैंने आपको काजल के बारे में बताया था काजल अजय वाली नहीं अपने अपने वाली वो, वो जो काजल है ना अपने ये काम आएगा वो वाला काम नहीं आएगा ठीक है ना तो काजल के बारे में हमने पढ़ा था पढ़ा था कि उसको हम कार्बन ब्लैक भी बोलते हैं ये चीज मैंने आपको बताई थी शायद है ना काजल के बारे में जब हम लास्ट में पढ़ रहे थे इसी का एक अन्य नाम और होता है कार्बन ब्लैक यानी कि काला कार्बन इसी का एक अन्य नाम और होता है और तो इसके बारे में हमने दो तीन चीजें पढ़ी थी कि हाइड्रोकार्बन होते हैं सॉरी कार्बन होता है यानी कि तेल या फिर घी की उपस्थिति में जब वहां पे वायु की अनुपस्थिति होती है तो वहां पे एक काले रंग की परत जमा हो जाती है तो वहां पे काजल का निर्माण होता है अपन लोग घरों में करते भी हैं ज्यादा नहीं तो दिवाली के दिन वाला जो दिवाली वाला जो दीपक होता है उसके ऊपर ऐसे कुछ प्लेट या थाली वगैरह रख देते हैं तो थाली के ऊपर एक काले काले कलर की परत जमा हो जाती है और सुबह उसको निकाल लेते हैं और बारह महीने तक वो अपने चलता रहता है खूब हम आंखों में लगाते हैं आपने वो तो सुना ही होगा तेरा सड़ाई फेर दू सुर तो वो ओ ही हो ठीक है, है नहीं हाँ आंखें तेरी सह चलन हो जाएंगी तो वो ओ ही है ठीक है नहीं कोई नाकू को नहीं एडो वो समझ में आ गई बात तो ठीक है चलो आगे चलते हैं और इसके मैंने आपको दो तीन यूजेज भी बताए थे कि भाई फोटोकॉपी मशीनों में ये काम आता है और जैसे फोटोकॉपी मशीन होती है एक काली स्याही फोटोकॉपी मशीन एक ब्लैक इंक बनाने में भी काम आता है ठीक है हेयर डाई जो आती है हेयर कलर करने के लिए भी इसका यूज होता है तो ये कुछ एक छोटी छोटी बातें थी ये यह, यहां तक अपना जो है यानी कार्बन का जो स्वतंत्र रूप वाला जो पार्ट है जो भी जितना भी स्वतंत्र रूप वाला जो पार्ट है वो अपना कंप्लीट हो चुका था इसके बाद प्यारे साथियों आगे चलते हैं आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो हम अध्ययन करेंगे कार्बन का किसका कार्बन का एक यौगिक रूप यौगिक रूप है कार्बन का है ठीक है यौगिक के बारे में मैंने आपको नॉर्मल से जानकारी दी थी यौगिक के बारे में आगे हम पूरा पढ़ेंगे उसका अनुपात निकालना हम आगे सीखेंगे उसका द्रव्यमान के अनुसार अनुपात उसका संरचना के अनुसार अनुपात वो सारा का सारा जो पोर्शन है वो अपना एक अलग चैप्टर में रहेगा उसकी टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है वो हम आपको जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद उसको अलग से कवर करेंगे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कहीं ये देख लो कि सर आपने तो अनुपात वगैरह नहीं बताए तो वो चीज हम अलग जगह पे कवर करेंगे यहां हम क्या पढ़ेंगे वो सुनो कार्बन जो होता है अब तक जो हम पढ़ रहे थे उन तत्वों के अंदर कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं था कहीं था क्या यानी कि यदि आपसे मैं पूछूं कोयले का सूत्र क्या होता है तो आप बताएंगे सी होता है आपको मैं पूछूं हीरे का क्या होता है तो आप बताएंगे सी होता है लेकिन अब आगे जो पोर्शन आएगा अपना आग उसमें आप कार्बन के साथ कुछ ना कुछ ऐड कर रहे होंगे यानी या तो आप कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ेंगे कार्बन के साथ आप सल्फर जोड़ेंगे कार्बन के साथ आप ऑक्सीजन जोड़ देंगे कहीं पे पे आप आप उसके साथ आप उसके साथ साथ फ्लोरीन जोड़ेंगे जोड़ेंगे कहीं क्लोरीन यानी कि अलग अलग उसके क्या होते हैं यूज होते हैं अलग अलग यौगिकों के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे तो हम यहां पे पांच छह एग्जाम्पल्स लेंगे उसके साथ आपको यौगिक वाला चैप्टर समझ में आ जाएगा तो देखना साथियों कार्बन का यौगिक रूप क्या होता है मैं एक उदाहरण लेके आपको बताता हूं पहला उदाहरण में लेता हूं आपके सामने CO2। तो कार्बन है इसने ऑक्सीजन के दो परमाणु यानी कि ऑक्सीजन के एक अणु के साथ इसने क्या किया है संयोग किया है और संयोग करके इसने क्या बना लिया है कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया है तो इसका नाम आपको विदित है आपको ज्ञात है फिर भी आपकी मतलब आपके मन को शांति देने के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं कार्बन डाइऑक्साइड हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को और आज हम इसको दोबारा पढ़ने वाले हैं इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे आपको ये पढ़ने के बाद इसके बारे में शायद और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी आप कोई क्वेश्चन करके देखेंगे आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा प्यारे साथियों देखना कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में यदि मैं बताऊं तो सबसे पहले एक भ्रांति आप दूर कर लें कि ये गैस जहरीली नहीं होती है ठीक है ना कहीं पे आपके मन में यदि है क्योंकि इस गैस को बेचारे को यूं ही बदनाम कर रखा है आप लोगों ने बहुत अच्छी गैस है बड़ी शानदार है जहरीली नहीं होती है बड़ी प्यारी गैस है ये देखना कैसे है आपको मतलब इसके बारे में पता चलेगा तो आपको तो मतलब इसे प्यार ही हो जाएगा इतनी खतरनाक गैस है ये ठीक है ना तो देखो सी ओ टू जहरीली नहीं होती पहली बात तो आपके मन में तो एक सवाल तो ये था कि यार ये जहरीली होती होगी प्रदूषण फैलाती होगी ऐसा कुछ था तो ये जहरीली तो नहीं होती है रही बात प्रदूषण की वो हम आगे करते हैं जहरीली नहीं होती है डायरेक्ट कोई प्रदूषण नहीं फैलाती है अब एक बात सोच के देखो कि यदि आप नाक से ऑक्सीजन लेते हो सीओ टू बाहर छोड़ते हो अगर ये जहरीली होती अगर ये जहरीली होती तो आपके घर में भी इतना जहर फैल जाता आपके घर में यदि पांच सदस्य हैं पांच जने लगातार सीओ टू छोड़ रहे हैं नाक के माध्यम से सीओ टू छोड़ रहे हैं सीओ टू ही होती है ठीक है ना नाक वाली तो नाक के माध्यम से यदि सीओ छोड़ रहे हैं तो घर पर तो जहर जहर फैल जाता तो लोग तो मर जाते कब के यदि मैं बात करूं कि जैसे पशु होते हैं अपने गाय भैंस होती बकरी प्रत्येक जीव प्रत्येक जीव श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करता है वो कौन सी गैस छोड़ते हैं वो भी सीओ टू छोड़ते हैं पेड़ पौधे भी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही होती है यानी कि रात के समय वो भी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं वो भी सीओ तो तब ग्रहण करते हैं जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो रही हो इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक जीव कहीं ना कहीं ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है और सीओ टू गैस छोड़ता है यदि यह जहरीली होती है तो कितना जहर फैल गया होता अब उसके कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं आगे जब तक यह गैस छोड़ी गई नाक के माध्यम से छोड़ी गई तब तक ना तो ये प्रदूषणकारी थी ना ये जहरीली थी लेकिन उसने वातावरण में क्या प्रभाव वातावरण को कैसे प्रभावित किया ये हमें समझना है तो वातावरण के अंदर क्या होता है कि सीओ टू गैस जो होती है वो ताप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने नहीं देती है आप सर्दियों के अंदर रजाई ओढ़ते हैं ओढ़ते हैं रजाई सर्दी आने वाली है अभी आप खूब रजाई का उपयोग करेंगे रजाई ओढ़ के सोएंगे रजाई गर्म होती है क्या ये बताइए आप रजाई खुद गर्म नहीं होती है रजाई को जैसे आप ओढ़ते हैं तो आपके जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है और आपके नाक के माध्यम से जो गैस छोड़ी जाती है सीओ वो पूरी रजाई के अंदर एक परत का निर्माण कर लेती है और आपके बॉडी का बॉडी के बीच में और रजाई के बीच में एक सीओ की परत जमा हो जाती है और वो जो है यानी कि वो जमा हो गई वो जो परत होगी वो एक कुचालक सतह की तरह कार्य करेगी यानी कि रजाई के बीच में और आपके बीच में जो स्पेस होगा वो एक कुचालक परत की तरह कार्य करेगा और आपको ठंड नहीं लगेगी यानी कि वो टेम्परेचर को इधर से उधर नहीं जाने जाने देती है आपने सुना होगा ना हरित ग्रह प्रभाव एक आपने प्रभाव सुना होगा हरित ग्रह प्रभाव वो इसी गैस के ऊपर आधारित होता है हरित ग्रह प्रभाव की मुख्य गैस के रूप में उपयोग होती है ध्यान देना इस शब्द में मुख्य गैस पे मुख्य गैस के रूप में उपयोगी है ठीक है एक तो मुख्य गैस होती है एक होती है शक्तिशाली गैस यदि पूछा जाए कि हरित ग्रह प्रभाव की मुख्य गैस कौन सी होती है तब तो आप CO2 बताएंगे यदि पूछा जाए सबसे शक्तिशाली गैस कौन सी होती है तब आप वाटर वेपर का नाम लेंगे यानी कि आप जल गैस का नाम लेंगे वो वह आपको आगे बताऊंगा जब मैं आपको हरित ग्रह पूरा पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पूरा बताऊंगा वो आप टेंशन नहीं ले यहां पर आप इतना याद रखें कि ये हरित ग्रह प्रभाव के मुख्य गैस के रूप में उपयोगी है यहां तक समझ में आ गया होगा बैठे थे ऐसे बतला रहे थे कि यार कुछ करते हैं तो बोले कि चलो ड्यू पी लेते हैं तो जैसे ही ड्यू ड्यू पेप्सी कोका कोला जानते हो ना ये सारी चीजें तो हमने डिस्पोजल ले लिए उसको डाला तो उसके अंदर से हमने देखा कि छोटे 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 बुलबुले निकल रहे थे मैंने पूछा कि यार ये ये क्या क्या सिस्टम है है मतलब ये हो रहा कहां से गैस आ रही है तो फिर भाई दोस्त अच्छे थे उन्होंने बताया कि यार ये जो गैस है ना ये सीओ टू गैस है तब जाके पता चला कि आपकी जो ड्यू आती है आपकी जो पेप्सी आती है कोका कोला हाँ वही कोका कोला है बलमा बड़ो सियाणो कोका कोला वही कोका कोला ठीक है, है नहीं कोका कोला जो भी आप ले लो इनमें से क्या निकलती है कौन सी गैस निकलती है तो सीओ टू गैस निकलती है जो भी बुलबुले निकलते हैं अब आपके मन में एक सवाल और आएगा कि सर वो जो इनसे थोड़ा यदि ऊपर उठे तो एक ब्रांड और भी आता है बियर की बियर नाम करके कुछ और आते होंगे मतलब दो तीन ब्रांड और होते होंगे उनसे भी कोई गैस आती है तो मैं बोलूंगा कि हाँ आती है उनमें भी कौन सी गैस आती है तो वहां पर भी सीओ टू आती है तो सीओ टू गैस डालते क्यों है मन में सवाल तो उठेगा ना कि यार सीओ टू क्यों कोई और गैस क्यों नहीं सीओ टू गैस जो होती है वो इन सभी का ऑक्सीडेशन होने से बचाती है ऑक्सीकरण नहीं होने देती है कौन सी गैस नहीं होने देती है तो सीओ टू नहीं होने देती है और ये क्या नहीं होती है खराब नहीं होती है पानी के अंदर आपने चीनी डाली उसके अंदर आपने ऑक्सी ये सीओ टू मिलाई बन गई आपकी ड्यू उसके अंदर अलग अलग फ्लेवर डाल दिया कोई मरिंडा का डाल दिया स्वाद तो वही है यानी कि जो कड़वाहट पैदा होती है वो भी किसकी वजह से पैदा होती है सीओ टू की वजह से पैदा होती है जितनी ज्यादा सीओ टू उसके अंदर होगी उतना ही ज्यादा आप बोल देंगे यार ड्यू बड़ी शानदार है यार मरिंडा बड़ी बढ़िया है डकार आ गई निहाल हो गया तो अपा यहां बोला नहीं तो अपाई सीओ टू का अपन मेहरबान होना चाहिए कि यार इतनी अच्छी सीओ टू बेचारी अपने को इसने बहुत कुछ दिया है वैसे कोल्ड ड्रिंक पीना ये सारी चीजें अपने स्वास्थ्य के लिए घातक की होती हैं कहीं ना कहीं पे एक दिन इसके बारे में और पढ़ लेंगे कभी ये जो बियर वगैरह हैं ये स्वास्थ्य के लिए घातक की होती है फायदेमंद नहीं होती हैं तो इनका सेवन हो सके इतने बचना चाहिए अपने लोगों को ठीक है ना इनका सेवन नहीं करना चाहिए आगे चलो सीओ टू गैस हरित ग्रह वाला बता दिया मैंने आपको एक चीज और देखो बड़ी शानदार चीज है शुष्क बर्फ आपने नाम सुना होगा ड्राई आइस जिसे बोलते हैं इसे बोलते हैं प्यारे साथियों ड्राई आइस इसी का एक अन्य नाम और होता है ठोस यो टू ठीक है ड्राई आइस बनाने में एक काम आती है ड्राई आइस क्या होती है आप जब मूवीज देखते हैं तो मूवीज के अंदर आपने देखा होगी बर्फबारी हो रही है पहले तो क्या होता था कि जब पुराने समय में शूटिंग्स होती थी तो उस इलाके में जाकर के घर के आते थे थी? आजकल ये चीज आ गई है ड्राई आइस आ गई है तो ये क्या है साथियों तो सीओ टू है वो बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे आपके सर्फ के झाग होते हैं उसी प्रकार से बर्फ पड़ती है तो चाहे बर्फ का इतना बड़ा गोला आके पड़ जाए सर्फ का तो क्या ही फर्क पड़ेगा उससे तो ये आपकी ठोस सीओ टू है ठीक है प्यारे साथियों आपके समझ में आ रहा होगा ठीक कलर कलर का कोई इशू नहीं है ठीक है ना देखो आगे चलते हैं प्यारे साथियों यहां तक आपके समझ में आ गया होगा यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी एक चीज और बता देता हूं आपको ये जो सीओ टू होती है हम जब पहला चैप्टर पढ़ रहे थे पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि एक होता है आपका चूने का पानी होता है ना चूने के पानी में यदि आप कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं ये चीज बताई हुई है यहां पे मैं रिपीट कर रहा हूं बस ताकि आपको ये पता चले कि सीओ टू गैस के बारे में ही बातें हैं चूने का पानी यदि आप उसमें सीओ टू गैस प्रवाहित करते हैं तो इसका कलर जो होता है ना वो कैसा हो जाता है दूधिया कलर हो जाता है यानी दूध के जैसा व्हाइट कलर इसका हो जाता है थोड़ी देर प्रोवाइड करेंगे तो ये होगा लेकिन यदि आप इसी सीओ गैस को बहुत लंबे समय तक प्रोवाइड करेंगे तो ये रंगहीन यानी बाद में कोई कलर दिखाई नहीं देगा इससे बाद में ये रंगहीन प्रवृत्ति की हो जाएगी तो पहले यदि आप चूने के पानी के अंदर सीओ टू गैस प्रवाहित कर रहे हैं और थोड़े समय के लिए कर रहे हैं तब तो क्या होगी ये दूधिया कलर दिखाई देगा आपको लेकिन यदि आप बहुत लंबे समय तक कर रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं तो वो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा रंगहीन हो जाएगा यानी बाद में उसके अंदर कोई कलर दिखाई आपको नहीं देगा आपने एक चीज सुनी होगी अग्निशमन यंत्र ध्यान देना इस अग्निशमन यंत्र पे अग्निशमन यंत्र प्यारे साथियों अग्निशमन यंत्र जो होता है उसमें भी कौन सी गैस होती है आपकी सीओ टू

जो चीज है जो आप अग्निशमन यंत्र बना रहे हो वो इसीलिए तो है कि सीओ टू गैस डालेंगे और सीओ टू गैस उस आग को बुझा देगी तो आग बुझाने वाली गैस के रूप में आग बुझाने वाली गैस ही आग बुझाती है आग लगाती है नहीं है देखो कितनी अच्छी गैस है बेचारी आग बुझा देती है ये, कितनी अच्छी गैस है बताओ प्यार हुआ कि नहीं हुआ गैस से आपको तो देखो ड्यू पेप्सी सारे इससे बने हैं बियर ऑक्सीकरण एक चीज और बताऊं आपको छोला भटूरा जानते हो ना छोला भटूरा तो छोले को तो छोड़ो एक बार भटूरे पे आओ भटूरा जो होता है ना भटूरा छोला भटूरा खाया होगा ना आपने भटूरा इस प्रकार से होता है जैसे नीचे से गोल गोल ऊपर से ऐसे उठा हुआ होता है ना ठीक है ना तो इसके अंदर जो गैस भरी होती है वो भी कौन सी होती है सीओ टू होती है तो प्यारे साथियों सीओ टू गैस इतनी काम आती है जिसकी कोई हद नहीं है देखो कहां कहां पे काम आ रही है ऑक्सीकरण नहीं होने देती है शुष्क बर्फ बनाने में काम आ रही है भटूरे के अंदर होती है चूने के पानी को दूधिया कर देती है ज्यादा फैलाएंगे तो रंगीन हो जाएगा अ्निशमन यंत्रों में काम आ रही है और पीछे देखो आप हरित ग्रह प्रभाव की मुख्य गैस होती है जहरीली नहीं होती है बेचारी बहुत अच्छी गैस है सीओ टू गैस मानव शरीर में भी काम आती है अब देखो अपने शरीर में काम भी आती है अपने को तो ऐसे ही बुराई कर रहे थे आप लोग इसकी बुराई करने वाली कोई बात ही नहीं है देखो मानव शरीर के अंदर कैसे काम आती है मानव शरीर का जो पीएच मान होता है ना उसको स्थिर करने में काम आती है उसको स्थिर रखती है अब आप बताएंगे कैसे रखती है तो वो सारी टिपिकल बातें हैं फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं हालांकि क्वेश्चन नहीं आता है। होता है इसको छोड़ दो आप ये अपने कोई काम का नहीं है इससे कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है ठीक है ना बफर विलियन का निर्माण कर लेती है अब बफर विलियन जो होता है वो क्या काम करेगा आगे जाके स्थिर रखने का कार्य करेगा अपने शरीर का पीएच मान कितना होता है आपको बताइए मैंने आपको एसिड और बेस वाले चैप्टर में बताया है सात पॉइंट चार होता है हल्का होता है तो वो सारी बातें हैं लेकिन आप इतना याद रखें कि मानव शरीर के अंदर ये सीओ टू जो होती है वो रक्त के साथ मिलकर बफर विलियन का निर्माण कर लेती है और ये जो बफर विलियन जो होता है वो हमारे शरीर में उपस्थित रक्त जो होता है उसका पीएच मान स्थिर रखने का कार्य करता है एक बार फिर से रिपीट कर दू मैं आपको आपके दिस में जो नहीं आए तो ध्यान से सुनना मानव शरीर में रक्त के साथ मिल जाती है और रक्त के साथ मिलकर का इससे पहले कार्बोनिल समूह का भी निर्माण करती है तो वो सारा इतना आपको उलझना नहीं है आपको इतना उलझने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपना जो क्वेश्चन आएगा वो इनमें से ही कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा तो सीओ टू से संबंधित कुछ एक तथ्यात्मक चीजें हैं उम्मीद करता हूं मैं कि आपके ये चीजें सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी देख लो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले लो ठीक है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आगे चलते हैं और देखो एक अपने फार्मी कम्बल पढ़ा था तो फार्मी कम्बल निर्माण में भी काम आती है छोटी सी बात है आप लिख लेना ठीक है ना कहीं पे देखो आगे चलते हैं अपना दूसरी गैस जो आती है वो आती है CO इसकी बात करते हैं इस बार ओ दो थे इस बार हमने एक ओ को छोड़ दिया है कि भैया तेरी छुट्टी है अब तू जा हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे देखो अकेले ओ का देखते हैं कि ये क्या करता है जब हमने दो को कुछ नहीं समझा तो क्या एक क्या बिगाड़ लेगा अपना देखते हैं कार्बन मोनो एक है तो मोनो लगाएंगे और ऑक्साइड मोनोऑक्साइड भी बोल देते हैं संधि करके लिखोगे तो लेकिन अपन लोगों ने अलग अलग लिख दिया है तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड देखो एक अब भी हमने पढ़ा है सीओ टू एक अब हम पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इसके अंदर पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो सी है मेरे को एक एग्जाम याद है आर्मी का एक एग्जाम हुआ था पीछे अभी तो खैर अग्निवीर आ गए हैं तो पीछे आर्मी का पेपर जब हुआ था उसके अंदर एक बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था कि कार्बन मोनोक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है और आप ऑप्शन देखिए आप ऑप्शन इस प्रकार से थे ये कैपिटल ओ लिख दिया यहां पे ए सी ओ लिख दिया यहां पे सी एम ओ लिख दिया और यहां पे लिख दिया उसने सीओ टू अब यार एक बात बताओ आप आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं बेचारे साइंस इतना उन्होंने शायद नहीं पढ़ा होगा हमारे देश की रक्षा करने वाले हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूं लेकिन उन्होंने शायद इतना बेचारे उन्होंने नहीं पढ़ा होगा कि यार ये सीओ मामो हो या फिर उन्होंने मतलब तो कोचिंग कहीं में नहीं करी होगी या फिर उन्होंने कहीं भी है तो भी इतना उलझाने वाली कोई जरूरत नहीं थी उनको कहीं पे मतलब अब देखो उलझा दिया तो उलझा दिया कोई बात नहीं अब क्या सोचेगा साधारण आदमी कि यार ये मोनोऑक्साइड तो यही होता होगा अगर नहीं पढ़ाए तो ये सोचेगा इस पे जाएगा फिर नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड यह तो पक्का ही है अब देखो दोनों में कट गया इसमें भी कट गया इसमें भी कट गया अब बच्चा देखो सी भी कैपिटल आएगा ओ भी कैपिटल लाएगा क्योंकि तत्व का जो प्रतीक चिन्ह होता है यह तो यहां पे क्या है एक और यह जो सी ओ है ना सी और ये स्मॉल ओ यह आपके कोबाल्ट होता है क्या होता है कोबाल्ट तो हमेशा किसी तत्व का जो जब भी आप प्रतीक चिन्ह लिखेंगे तो पहला अक्षर कैपिटल आएगा आगे वाले हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे जब भी आप किसी यौगिक को लिखेंगे आप लिखते हैं ना एन ए सी एल लिखते हैं आप ऐसे लिखते हैं हमेशा एन ए छोटा लिखते हैं सी फिर बड़ा लिखते हैं और एल छोटा लिखते हैं एनएसएल हमेशा ऐसे लिखेंगे आप ठीक है ना जब आप मान लो कैल्शियम कार्बोनेट लिखते हैं तो सी ए छोटा लिखते हैं फिर सी लिखते हैं फिर ओ बड़ा लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं अब ऐसा कहीं पे नहीं लिखते कि सी ए सीओ थ्री ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको ये कैल्शियम कोबाल्ट हो गया है तो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कार्बन मोनोक्साइड ऐसे लिखा हुआ मिलेगा सी ओ छोटा जो ये कोबाल्ट हो गया है सीएमओ कुछ नहीं होता सी ओ टू सीओ टू तो अभी पढ़ाई है हमने तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना आपकी सामान्य जानकारी के लिए आप बड़ी होनार छात्र हैं आप इस क्वेश्चन को गलत गलती करने का आप दुस्साहस नहीं करेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और तो जब भी अपना अपने टेस्ट लेंगे ना जब भी मैं आपके टेस्ट लूंगा जब भी भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी आपकी आ, तो आपको बता दिया जाएगा कब होगी कहाँ होगी कैसे आपको टेस्ट देना है वो सारी बातें तो ये जो क्वेश्चन है ना ये वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन मैं ये क्वेश्चन आपको जरूर दूंगा ठीक है ना इसके बाद आप देखो कार्बन मोनोऑक्साइड तो हो गया अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ी जानकारी लेते हैं इसके बारे में तो कार्बन मोनोक्साइड जो होती है अब देखो वो गैस बेचारी जहरीली नहीं थी ये जहरीली है ये कैसी होती है जहरीली होती है अब जहरीली आप बोलेंगे कि इसने हमारा क्या बिगाड़ा है आपने एक अखबार की हेडलाइन पढ़ी होगी अब सर्दियों में खूब पढ़ेंगे आप जिन लोगों को जानकार नहीं होती है वो क्या करते हैं बेचारे रात को सर्दी के मारे और अंगीठी जलाकर सो जाते हैं कमरे के अंदर अंगीठी जलाई अंगीठी समझते हो ना अपने नॉर्मल में यदि मैं आपको बताऊं कि कोयले जलाए कोयले जल करके जब वो मतलब अंगारे बन जाते हैं तो उन अंगारों को रखेंगे कहां पे अपने कमरे में रखेंगे कमरे को करेंगे बंद और अंदर सो जाएंगे और बेचारे सुबह उठ ही नहीं पाते हैं वो अंदर ही अंदर घुटके स्वाहा हो जाते हैं यानी कि राम नाम है सत्य तो कहने का मतलब यह है कि अंगीठी जलाकर सो ऐसा क्या हुआ इस अंगीठी के कारण उनको पता ही नहीं चला देखो ये गैस इतनी जहरीली होती है कि यह पता ही नहीं चलने देती है अंगीठी जलेगी अंगीठी जलेगी तो क्या होगा इससे एक गैस निकलेगी सीओ बड़े ध्यान से समझना है आपको इन आपको इस चीज को उससे गैस निकलेगी सीओ यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। जब अंगीठी जलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी तो इसके अंदर देखो एक ओ है एक बंद कमरा है उसके अंदर गैस लिमिटेड है आप स्वयं उसके अंदर यदि सो रहे हैं या फिर कोई और प्राणी सो रहा है मान लो जो भी है आप नासिका के माध्यम से ओटू गैस ग्रहण कर रहे हैं आप ऑक्सीजन लिए जा रहे हैं लिए जा रहे हैं ऑक्सीजन को यह मानो कि आपने एकदम खेच रखा है कि यार ऑक्सीजन आज तो पूरी लेनी है आप खराटे मार रहे हैं जोर जोर से तो खरड खोण लाग रही है दाग तो एक तरफ तो आप हैं जो आप ऑक्सीजन गैस का उपयोग कर रहे हैं दूसरी तरफ आपकी अंगीठी आपसे भी शैतान वो क्या कर रही है वो भी ऑक्सीजन गैस का उपयोग कर रही है यार ये ले रहा है तो अपने क्यों नहीं लें अपने भी ऑक्सीजन लेंगे अब मैंने आपको बताया था यदि आपको याद है तो पीछे वाले ग्लास पे आप गौर करना कि कहीं पर भी यदि आग लगी हुई है मैंने धहन में बताया था आपको कहीं पर भी यदि आग लगी हुई है वहां ये समझ लेना कि वहां पे ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति है अब आप सोचोगे कि यार बात तो ठीक है ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति होती है तो ये ये क्या करती है कार्बन जो होता है ना उसका होता है दहन कौन सा दहन होता है एक पूर्ण दहन होता है एक दहन होता है यहां पे कौन सा दहन हो रहा है कार्बन का अपूर्ण दहन हो रहा है और गैस कौन सी बन रही है सी ओ बन रही है अब आपको लगेगा कि हां थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है देखो सीओ बना दी हमने ये जाती है अब ऐसा तो नहीं है ना हमारे नाक के अंदर ऐसा कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है कि वो बाहर ही गैसों को ये मतलब ये है तो के पर, चाल, तो इन कौन ले ऑक्सीजन नाक का अपने अपने कोई सिस्टम को नहीं या फिर दिखाई भी नहीं देती कि यार एक तरफ तो CO2 आ रही है वो देखो वहां से चली है या आ रही है तो हम उसको हटा देते हैं कि नहीं इसको इधर कर इसको इधर कर हाँ तुम ऑक्सीजन तू तु नाक में आ जा ऐसा भी नहीं होता बाहर जो है वो सारी गैसों का मिश्रण होता है वो एक साथ ही शरीर के अंदर जाएगा उसी के अंदर नाइट्रोजन है उसी के अंदर ये सीओओ भी होगी उसी के अंदर सीओ टू भी होती है वो सारी की सारी नाक के अंदर हम ले लेते हैं फिर महसूस करते हैं कि यार बदबू आ रही है अच्छी खुशबू आ रही है वो सारी आगे की आगे की प्रोसीजर होती है नाक का, का काम होता है सिर्फ श्वास को अंदर डालना और आगे फिर वो श्वास को गीला करना वो सारी बातें अलग है अब देखो इतना तो हो गया मैटर इतने तक तो कोई दिक्कत नहीं है अब अपने शरीर ने क्या देखा कि सी ओ भी शरीर के अंदर आ चुकी है फेफड़ों को देखा अब ये सीओ फेफड़ों के पास गई बोला कि इसको जो फेफड़ा अलग करने लगा कि बोले अरे मेरे को क्यों अलग कर रहे हो मैं तो आपकी हूं मैं तो तेरी हूं मन तो मुकम नटखड़ो नाम कौन रातन देख आ रही फेफड़ों को लगा कि है तो सही बात तो ठीक है लेकिन ये बोले ये सी ये बोले नहीं ये कोई बात नहीं ये मेरे साथ है सी है। ये मेरा फ्रेंड है ये आया है कोई दिक्कत नहीं इसको रहने दो तो बेचारे को इसका मेरे बिना मन नहीं लगता तो फिर फेफड़ों ने सोचा दयावान है बेचारा कोरोना में उसने खूब दया दिखाई थी खूब गैसों को वायरसों को अंदर आने दिया था इसको भी देख लो आप कितना दयावान है अपना फेफड़ा इसको भी बोला कि चलो कोई बात नहीं तू भी आ जा तो ये अंदर घुस जाती है अंदर ऑक्सीजन थी उसको लगा कि ये भाई ये आक्रमण हो रहा है अपने पे ऑक्सीजन बोला हाँ भी तू बोले मैं फेफड़ों की अनुमति लेके आई हूं आपको कोई परेशानी नहीं है आपको मैं मतलब दो चार दिन रहूंगी खाऊंगी पीऊंगी फिर चली जाऊंगी बोल चल कोई बात नहीं तू भी रह ले अब ये मतलब अंग्रेजों की तरह आ तो गए लेकिन फिर इनका यहां पे मन लग गया तो ये पूरी रगों में फैल जाती है क्योंकि यार एक बार मैं मैं सिर भी देखा हूं थोड़ा सा घूमने का मन कर रहा है एक बार मैं पैर तक भी जाऊं एक बार आपके पेट में भी जली जाऊं तो खून तो सब जगह जाता है बोले मैं आपके हार्ट में भी जली जाऊं तो भी खून तो हार्ट से होकर जाएगा तो भी पूरे शरीर में उसका भ्रमण भी हो जाएगा कि यार मेरा बाहर मन नहीं लग रहा था बाहर ऐसी घूम रही थी शरीर को देखने का मन था तो चलो बोले आ जाओ कोई दिक्कत नहीं सीओ आ गई अब ये क्या करती है ये होती है भारी कैसी होती है ये भारी होती है धीरे धीरे इसने क्या किया कि जब इसको पता चल गया कि अपना पूरा स्वामित्व हो चुका है बिल्कुल अंग्रेजों की तरह तब इसने ओटू को बोला कि अब तो तेरे को संधि करनी पड़ेगी या तेरे को यहां से जाना पड़ेगा वही बात अंग्रेजों वाली ऑक्जन को लगा कि यार ये ठीक है कुछ दिन तो पहले बोल रही थी कि मैं तेरे कुछ नहीं कहूंगी आज इसका इतना स्वामित्व हो गया कि अपने को हटा रही है आदमी को पता है नहीं ये तो सो रहा है भाई एक कसम ने कहे तो उठाओ ताकि वो बारह जा गेट गाट खोल ले। लेकिन वो तो अपना आराम से मचता है वो सो रहा है कि शरीर के अंदर उसको पता ही नहीं है कि इतनी इतनी, इतनी बातें हो रही हैं लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे युद्ध पे युद्ध लड़ने को रखा है देखो इनका समझौता करवाते हैं फिर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं देखो ऑटू है ऑटू को इसने क्या बोला कि भाई तू अभी बाहर चले जा ऑटू ने सोचा कि चलो एक बार इससे आक्रमण करके देखते हैं लेकिन ऑटो की पार लास्ट में नहीं पड़ती है क्योंकि इसकी जो जड़ें थी वो पूरे शरीर में फैल चुकी थी एक समय ऐसा आता है कि ये पूरे शरीर में रक्त के साथ मिलकर के किसके साथ मिलकर के रक्त को अपना फ्रेंड बना लेती है और इसके साथ मिल के एक पूरी सेना बना लेती है क्या बना लेती है पूरी सेना बना लेती है जिसका नाम होता है संकुल पूरे संकुल बन जाते हैं पूरे ब्लड के अंदर और फिर क्या होते हैं ये जो संकुल होते हैं ये टूटते नहीं है ये संकुल अभेद्य दीवार की भांति शरीर की नसों में खड़े हो जाते हैं और ऑक्सीजन के प्रवेश पे क्या लगा देते हैं ताला लगा देते हैं ऑक्सीजन प्रवेश निषेध आगे बोर्ड लगा दिया बड़ा सा कि भैया फेफड़े जी आज के बाद अगर, अगर अंदर कुछ भेजना है तो आपको क्या भेजना पड़ेगा बोलो सीओ भेजनी पड़ेगी तो फिर फेफड़ा भी बेचारा क्या करे क्योंकि वो इसकी अधीनता स्वीकार कर चुका था तो फेफड़ों ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली किसकी सीओ की और पूरे शरीर में किसका स्वामित्व हो गया सीओ का स्वामित्व हो गया मोटा मोटी एक दो बातें कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में रक्त के साथ मिलकर के संकुल का निर्माण कर लेती है तब क्या होता है ये संकुल आपस में टूटते नहीं है और सी ओटू गैस जो होती है उसका प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है और हम मानव की क्या हो जाती है ओटो तो ही नहीं मिलेगी फिर क्या हो जाएगा मानव बेचारा जैसे सो रहा था वैसे ही सोया रह जाएगा कभी भी अंगीठी जला कर आपको कम बंद कमरे में नहीं सोना है हमेशा याद रखना ये बात और जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी बताना कि नहीं ये नहीं सोना है ये गलत बात है ठीक है ना कहीं पे ऐसा हो कि रात को सुबह सुबह मिले नहीं तो ये चीज बिल्कुल गलत है बीमार जरूर पड़ जाओगे ठीक है ना कम से कम ये मान के चलो कि आप मरते मरते अगर बच गए ना तो मरते मरते बचोगे आप कहीं पे आपको मान लो जाग भी आ गई तो घुटन होने लग जाती है अब आदमी उठ नहीं पाता है तो सीओ एक आप देखते हैं पेट्रोलियम पदार्थ जब आप बाइक वगैरह चलाते हो पेट्रोल जैसे डीजल है पेट्रोल है जितने भी ये सारी चीजें हैं इनके दहन से जो गैस बनती है वो भी कौन सी बनती है सीओ बनती है यही कारण होता है एक सीएनजी भी सुनते हैं ना आप देखो सीएनजी मैं भी पढ़ाऊंगा आपको सीएन पूरी क्योंकि ये भी कार्बन का ही एक यौगिक रूप होता है सीएन जो होती है उससे भी कौन सी गैस निकलती है सीओ निकलती है जितने भी पेट्रोलियम के ईंधन होते हैं जो भी जमीन से प्राप्त खनिज तेल होते हैं जो पेट्रोलियम तेल होते हैं उनसे कौन सी गैस निकलती है हमेशा ये कार्बन मोनोक्साइड गैस निकलती है अब कार्बन मोनोक्साइड गैस जो होती है ना जब ये गैस निकलेगी तो भाई पर्यावरण के अंदर नुकसान तो इससे होगा ही होगा ये बात आप भी समझते हैं पर्यावरण के अंदर नुकसानदायक तो होती है तो ये जो गैस होगी वो पर्यावरण के लिए क्या होगी नुकसानदायक होगी तो इसी के इसी के स्थान पर हम सी गैस का उपयोग करते हैं ताकि जो है पर्यावरण प्रदूषण जो हो वो बहुत ही कम मात्रा में हो तो ये एक इसका छोटा सा है तो इसके बारे में दो ही बातें हैं एक तो शरीर के साथ मिलकर के बना लेती है रात्रि में अंगीठी जलाकर नहीं सुनना चाहिए और पेट्रोल डीजल के जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जहरीली होती है एक बात और याद रखना ये उदासीन होती है अगर मैं पूछूं कि अम्लीय क्षारीय या उदासीन तो उदासीन और यदि मैं आपसे पूछूं ये CO2 तो ये होती है आपकी अम्लीय अम्लीय ऑक्साइड है थोड़ा सा याद रख लेना कि अम्लीय ऑक्साइड है या उदासीन है कई बार पूछ लेता है तो थोड़ा सा याद रख लेना ठीक है ना अब देखो आगे चलते हैं अपने दो जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं इसके बाद तीसरा आता है सी एच फोर ये हालांकि हाइड्रोकार्बन आपको पूरा पढ़ाऊंगा तो इसका नाम होता है मेथेन तो वो मेथेन मेथिन पूरा मैं आपको एलकेन एल एलका एल एल अपनी जो अगली क्लास होगी वो इसी पे होने वाली है लेकिन यहां पे थोड़ा सा मेथेन पढ़ लो एक बार क्योंकि हम लोग यौगिक पढ़ रहे हैं तो कार्बन का हाइड्रोजन के साथ भी देख लेते हैं कि इसके साथ थोड़ा सा क्या है क्या नहीं है ठीक है ना देखो मेथेन होती है इसके कुछ एक अन्य नाम होते हैं आपको ऐसे ही लिखना है मैं थोड़ा सा लिख के आपको बता देता हूं कॉपी में भी आपको ऐसे ही लिखना है अन्य नाम अन्य नाम इसके होते हैं इसको बोलते हैं पंक गैस ठीक है इसी गैस का एक अन्य नाम और होता है मार्स गैस ठीक इसी गैस का एक अन्य नाम और होता है फायर डैम्प इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और पंख गैस वाला भी ज्यादा नहीं पूछ सकता मोस्टली यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो यहां से पूछा जाता है क्यों पूछा जाता है यहां से इसका भी एक रीजन है अपना जो राजस्थान है वो कृषि प्रधान है आपको बताई है यहां भारत भी अपना कृषि प्रधान ही है वहां पे चावलों की खेती होती है और चावलों की जो खेती होती है या फिर पशु जो होते हैं पशुओं से चावलों की खेती से जो भी गैस मुक्त होती है उसे बोलते हैं मार्स गैस और मार्स गैस किसका नाम होता है मेथेन का नाम होता है तो दलदली भागों से मुक्त होने वाली गैस है ये आप ऐसे लिखेंगे कि दलदली भागों से मुक्त होने वाली गैस तो ये थोड़ा सा आपको याद है। रखना है ठीक है चावल जो होते हैं देखो क्या होगा चावलों के खेत से कैसे उत्पन्न होती है सुनना आप मैं आपको बता देता हूं। चावलों की की जो खेती होती है, है। वो पानी में की जाती इतना आपको पता है देखो ये आपका खेत है इसके अंदर पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है यहां पे चावलों की फसल लहलहा रही है देखो ये चावलों की फसल है ऊपर लहला रही है अच्छे से ऊपर चावल लगे हुए हैं आप जब चावलों चावलों की कटाई करते हैं तब तो आपने जड़ें मिट्टी और ये जो जो भी जितने भी पदार्थ हैं वो मिलकर के एक दलदल का निर्माण कर लेंगे दलदल -दल जानते हो ना दलदल -दल. आप मूवीज में आपने देखा दलदल होता है उसमें एक हीरोइन होती है वो ऐसी गिर रही होती है वो दलदल में चली जाती है हीरो आता है बचाता है वो सब सा, वो सारा जो दलदल है वो आपने देखा होगा वैसे भी बॉलीवुड तो दलदल ही है तो चलो छोड़ो वो आगे की बात है तो ये जो दलदल है समझ गए होंगे आप दलदलों से एक दलदल का निर्माण हो जाएगा वहां से कौन सी गैस निकलेगी फिर इनके गलने से इनके जड़ों के अपघटन से जो गैस निकलेगी वो कौन सी गैस होगी आपकी मास गैस होगी तो दलदली भागों से मुक्त होने वाली जो गैस होती है वो कौन सी होती है आपकी तो आप बताएंगे की मास गैस होती है यानी कि आपकी सी एच फोर गैस होती है आगे आप क्या लिखेंगे आगे आपने एक गैस सुनी होगी सी एन जी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसके बाद नेक्स्ट इसी की बारे में पूरा पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे थोड़ा सा आप देख लो एक बार के लिए सॉरी वो लाइट का कुछ इश्यू हो गया बीच में कोई बात नहीं चलो कंटिन्यू करते हैं एक मिनट लगेगा हम लोग वो पढ़ रहे थे किसके बारे में पढ़ रहे थे मार्स गैस यानी कि सीएनजी के बारे में पढ़ रहे थे और सीएनजी के बाद हाँ सीएनजी के कुछ एक अन्य नाम देखे थे देखो चलो चलो आइए साथियों फिर से आइए हम क्या पढ़ रहे थे सीएनजी देखो सॉरी सी सी एच फोर पढ़ रहे थे मेथेन पढ़ रहे थे लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा सी एच फोर यानी कि मेथेन के बारे में पढ़ रहे थे उसके अन्य नाम हमने देख लिए थे ठीक है ना तो वो दोबारा बताने की शायद आवश्यकता नहीं है आपको कि वो क्या थे क्या नहीं थे हाँ आप आगे देखो इसमें मैंने आपको बताया था कि सी जो होती है ना सी का ये मुख्य घटक होती है सी का क्या होती है मुख्य घटक किसका सी का कंप्रेस नेचुरल गैस जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है इसका एक ये मुख्य घटक होती है और सी फोर जो होता है एक गैस और भी आती है अपने गोबर गैस गोबर से भी देखो गैस बना ली है हमने गोबर गैस का भी ये जो होती है वो मुख्य घटक होती है गोबर गैस का भी क्या होती है ये मुख्य घटक होती है तो आपको इसमें बस इतना ही याद रखना है ज्यादा इसके अंदर कोई क्वेश्चन वैसे आता भी नहीं है आता है तो इतने आता है कि मार्च गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है या फिर ये ये आ जाता है कई बार सी गैस का मुख्य घटक कौन सी होती है तो मेथेन होती है और फिर आता है गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सी होती है तो आपकी सीएचपुर होती है तो प्यारे साथियों इसके आगे अपनी कुछ गैस बच गई है जैसे एल बच गई है अपनी जैसे सी बच गई है अपनी सी सी बच गया है तो ये जो तीनों गैसे हैं ना वो अपन लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर कर लेंगे ठीक है ना तो अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो इन तीन गैसों के ऊपर रहेगी आज थोड़ा सा लाइट का इश्यू हो गया तो क्लास आपकी थोड़ी सी प्रभावित हो गई बीच में लेकिन आगे वाले जो क्लास होगी वो उम्मीद करते हैं कि ठीक होगी अभी तक ऐसे अभी तक ऐसा हुआ नहीं कभी कि लाइट गई हो लेकिन हो जाता है कई बार ठीक है ना टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती हैं तो आपको ये क्लास कैसी लगी आज वाली आज हमने पहले पढ़ा था किसके बारे में सी टू उसके बाद हमने कार्बन मोनोक्साइड उसके बाद में हमने सी एच फोर के बारे में पढ़ा है ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे कवर करनी है तो आपके जैसे ही आपके टेस्ट स्टार्ट होते हैं तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये सारा सारी जो चीज़ें हैं और जो आप देखेंगे पीछे के आप एग्जाम उठा के देख लो इन तीन गैसों में से यदि इसके अलावा कोई क्वेश्चन आए है तो बताना आप कि हाँ भी आपने ये क्वेश्चन सर यहाँ पे नहीं करवाया भूलवश रह जाए बात अलग है आप लिख दिया करेंगे आप वो को, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप बाद में कमेंट में लिख दें ये क्लास आपके लिए रिकॉर्डेड है तो आप बाद में जैसे ये क्लास पूरी हो तो आपका जो भी डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर लिख दें ताकि वो आपका पूरा का पूरा कवर हो जाए ठीक है ना तो मैं जैसे ही नेक्स्ट क्लास अपनी होती है वैसे ही वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा तो प्यारे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और एम जुनून के साथ तब तक अपनी तैयारी में बिल्कुल मस्त रहिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए आनंदित रहिए एकदम ठीक है ना अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए अपना स्वास्थ्य यानी कि पहला सुख निरोगी काया उसके बाद परिवार आता है उसके बाद फिर वो अलग अलग चीज़ें आती हैं तो समाज जो है वो गौण है अपने लिए तैयारी करने वाले बच्चों के लिए सबसे पहले स्वास्थ्य उसके बाद परिवार पढ़ाई ये सारी चीज़ें हैं बाकी जो चीज़ हैं वो कुछ तो लोग कहेंगे उनको तो कहने ही दो उनका तो अपने को करना ही क्या है अपनी पढ़ाई में मस्त रहो ठीक है साथियों मिलते हैं अगली क्लास के अंदर जय हिंद जय भारत रात्रि